नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के विरोध में राजद ने आज बिहार बंद बुलाया है। पार्टी ने बंद सफलता के लिए शुक्रवार की शाम पटना में मशाल जुलूस निकाला। इसमें विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत प्रमुख नेता शामिल हुए। इधर बिहार बंद को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद किया है। उपद्रवी पर सख्ती से निपटने के लिए पुलिस हर तरह से तैयार है। चंदन जी, इस हिसाब से आज नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बिहार बंद बुलाया गया, इसको देखते हुए क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस वक्त? देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश की शराबी सीए और एनआरसी को लेकर के बिहार में भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। खास तौर पर जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने 8 जनवरी के साथ तोड़ फोड़ और रास्ता जाम कर दिए हैं, जिसमें कि बिहार की जो ताकतवर नेता माना जाता है पप्पू यादव उसमें फंस चुके हैं। और देखा जाए कि कानून को लेकर सबसे पहले भी जो कल जुलूस निकाला गया था तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, वहाँ जो सत्ताधारी जो कहते हैं एनडीए गठबंधन जो आपका बीजेडी आपका जेडीयू है, जेडीयू ने भी नीतीश कुमार ने सबसे पहले कहा कि किसी तरह से जो आपत्तिजनक घटना पे किसी तरह से हिंसक घटना ना हो, इसीलिए उन्होंने सीधे तरफ जो राजधानी पटना में जोन की तरफ से नजर रखा जाए। लेकिन पटना में भी इसका हिंसक प्रदर्शन देखने को, खासतौर पर पटना जिले के जो फतुआ चौराहा में पटना बख्तियारपुर में वहाँ जो पुराने एनआई थे इसको भी जाम लगा दिया गया है, वहाँ तोड़फोड़ शुरू हो गया, आर्चनिंग किया गया है। साथ ही देखा जाए भागलपुर में भी उसका असर देखने को मिला, भागलपुर में वही हालत है जहाँ आर्चनिंग के साथ तोड़फोड़ किया जा रहा है। लोगों की जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, जनजीवन की तरफ राहत हो रहा है, लोग अपने घर से निकल नहीं पा रहे, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और जो प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात है कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी इस बंद का भी समर्थन किया है। क्योंकि देखा जाए झारखंड का जो चुनाव बीत चुका है, कल अंतिम चरण का चुनाव जा चुका है, जिसमें जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन है, और तो उसी का मद्देनजर रखते जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन माने की चीजें पूरे देश में पूर्वोत्तर राज्य के बाद पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी उसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन इस सब चीजों को लेकर जो राजद पार्टी ने आज ये सब जो बिहार बंद किया हुआ, इसको लेकर लोगों की क्या मानसिकता है, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, चीजें तो लोगों का देखा जा सकता है, लोगों में कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो आहत हो चुका है जनजीवन पे, लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ की जो कार्यकर्ता है, खासतौर पर देखा जाए यादव का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक की राजनीति ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है। खास तौर पर देखा जा सकता है कि आरजेडी के जितने समर्थक वो सड़क पर उतर चुके हैं, और जगह जगह में आप देखिए बिहार में आरा से लेकर बख्तियारपुर, इसके बाद आप लीजिए सिवान से ले लीजिए, चारों तरफ से जो पटना जो राजधानी पटना है जो पुराना मगध कहा जाता है, वहाँ भी पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया था और पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके बावजूद जो प्रदर्शन जारी है, कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जनता जो सीए के खिलाफ है वो खुल कर सामने आ रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण तरीका से होना चाहिए वो शांतिपूर्ण तरीका से नहीं हो रहा है, और हिंसक रास्ता अपनाया गया है, और पुलिस की चीजें तब वहाँ भी कहीं ना कहीं पीछे हटने की नजर आ रहा है कि पुलिस अधिकारियों को पुलिस अगर उसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे तो वहाँ से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। खासतौर पर आपने देखे होंगे शायद यूपी में जिस तरह से हुआ है, बंगाल में हुआ है कि यूपी अगर 140 धारा का उल्लंघन करके किस तरह से इन लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया, और काफी लोग मत अब तक जो 15 करीब जो पूरे भारत में देखा जाए कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस घटना में। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के। तो आज बिहार में राजद पार्टी की ओर से बिहार बंद बुलाया गया है, लोग लगातार सीए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं लोग का आम जन जीवन भी इस वजह से काफी ज्यादा जो है उस पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, कई इलाकों में 144 धारा लागू है, और लगातार जो लोगों का विरोध प्रदर्शन है सीए को लेकर वो उग्र होता जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस पर अपनी रोटियां सेकने में पीछे कहीं से नहीं है, और लगातार इसका विरोध कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है, और इस पर अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो बहुत ही अच्छे से सेकी जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।